दोस्तों समय था 1936 बर्लिन ओलंपिक्स और इंडियन हॉकी टीम को लीड कर रहे थे मेजर ध्यानचंद और सेमीफाइनल में भारत ने फ्रांस को 10-1 से खिलाड़ी हार देकर फाइनल में प्रवेश किया और फाइनल में भारत का सामना होने वाला था होस्ट टीम जर्मनी से और इस मैच को देखने के लिए काफ़ी बड़े लोग जैसे एडॉल्फ हिटलर भी आए हुए थे और बहुत सारे लोगों को लगता था कि जर्मनी आराम से भारत को हरा देगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फाइनल में भारत ने जर्मनी को 8-1 से खिलाड़ी हार दी और इस मैच में मेजर ध्यानचंद ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी और इसलिए तो उनको हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है। और इस मैच को देखने के बाद एडॉल्फ हिटलर उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उनसे बोला कि तुम इंडियन आर्मी में एक जवान हो, अगर तुम आगे से जर्मनी की ओर से खेलते हो तो मैं जर्मनी आर्मी में तुम्हें फील्ड मार्शल बना दूंगा। पर मेजर ध्यानचंद ने बिल्कुल मना कर दिया और पता है उन्होंने क्या जवाब दिया, ये मेरे देश का काम नहीं है मुझे ऊपर उठाना, ये मेरा काम है अपने देश को ऊपर उठाना। इसलिए तो उनको जन्मदिवस को भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम से भी मनाया जाता है।